स्वरूप है वो बतला दिया, क्षेत्र के धर्म बतला दिए, प्रभाव बतला दिया, उत्पत्ति बतला दी और जिस धर्म वाला है ये बतला दिया। तो जो जो गेय है, जो जो दृश्य है, वो सब का सब क्षेत्र ही है ना। और जो दृष्टा है, जानने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा है, उसी को क्या कहा है, उसी को ज्ञान। तो क्षेत्र तो आपको संक्षेप में बतला दिया है, अब क्या बतलाना है, क्षेत्र क्या बतलाना है, क्षेत्रज्ञ को बतलाने के लिए पहले उसके जो साधन है वो बतलाते हैं। क्या है क्षेत्रज्ञ प्राप्ति के जिस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, जो साधन संपन्न होना चाहिए, तो वो साधन बतलाते हैं क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के। तो ये ज्ञान के साधन होने से इनको ज्ञान कहें, क्या ज्ञान के साधन होने से क्या कहेंगे इनको, ज्ञान कह दें। तो जो ज्ञान है किसका ज्ञान, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ क्या बतलाया है, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ अहमेव। क्या बोला है कि सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही, वो आत्मा परमात्मा मैं ही। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, पीछे बता ही दिया है। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, उस ज्ञान के जो सहायक साधन है, ज्ञान प्राप्ति में जो सहायक है, सहयोगी है, उन साधनों को बतला रहे हैं। तो इसलिए इन साधनों को भी ज्ञान कह दें, ठीक है। तो ये सातवें श्लोक से आरंभ होते हैं, आज फिर पाठ कर लेंगे दोबारा। अमानित्वा मदम्भित्वा महिं साक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिः आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वम् कल बतलाया, मान का अभाव, क्या मान का, अपने आप को मानी, स्वयं अपनी प्रशंसा करता है। तो इस मान का जिसमें क्या हो, अभाव,
ये साधन बतला रहे हैं। यदि कोई मानी है, घमंडी है, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो इस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। इसीलिए पहला साधन बतला दिया अमानित्वम। क्या साधन है? मान का अभाव। अदम्भित्वम, और दम्भ का अभाव। दम्भ जो अपने गुण है उनका प्रदर्शन करना। क्या है? अपने जो गुण है आदि है उनका क्या है? प्रदर्शन करने का जो भाव है उसको क्या कहते हैं? दम्भ। तो ऐसा भाव जिसमें नहीं है उसको क्या कहेंगे? अदम्भित्व। अहिंसा, क्या? किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर। क्या? किसी भी जीव की हिंसा न करना, ये अहिंसा है। और शांति ही, दूसरे के जो अपराध है, कोई आपका अपराध करे तो भी आपका चित्त विकृत ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको शांति, क्षमा कर दे। क्या? क्षमा का भाव। आर्जवम, आर्जवम माने ऋजु भाव, सरलता। क्या? कुटिलता नहीं। क्या? सरलता का। ये ज्ञान के साधन है, ये होने चाहिए, ये सहयोगी है। ये होंगे तभी आपको ज्ञान होगा क्षेत्रज्ञ का। ये साधन है, तो सरलता का। आचार्योपासनम, मोक्ष साधनोपदेष्टु आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम। आचार्योपासनम माने मोक्ष के साधन का जो उपदेश देने वाला आचार्य है, उस आचार्य को सेवा आदि के द्वारा प्रसन्न करना। ये क्या हुआ? आचार्य की उपासना। क्या हुई? आचार्य की अपनी सरलता विनम्रता से, अपने श्रद्धा भाव से आचार्य को क्या करें? प्रसन्न करें। आचार्योपासना। शौचम, और बाह्य आभ्यंतर पवित्रता। शरीर भी पवित्र और अपने मन को भी पवित्र रखे। शरीर को भी पानी आदि से, मिट्टी आदि से मांज करके साफ रखें, और अंतर में भी पवित्रता, अंतर में भी पवित्र विचार हो। तो शौचम माने पवित्रता। स्थैर्यम, और क्या है? स्थिर भाव, मोक्ष मार्ग में स्थिर होना, मतलब निश्चित कर लेना लक्ष्य, कि लक्ष्य परमात्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। इस ऐसे अपने चित्त को लक्ष्य में स्थिर कर लिया। क्या? चंचल नहीं होना, चलायमान नहीं, कि कभी तो परमात्म प्राप्ति लक्ष्य है, कभी धन प्राप्ति लक्ष्य बना ले, हैं? कभी जो है और सम्मान आदि प्राप्त करना लक्ष्य बना ले, तो ये सब लक्ष्य गलत है। स्थिर है, स्थैर्यम माने जो स्थिर हो गया है अपने लक्ष्य में, लक्ष्य प्राप्ति में जो स्थिर है उसको क्या कहेंगे? स्थैर्यम। आत्मविनिग्रह, और ये जो कार्य करण संघात है, क्या? शरीर, इंद्रिया, मन, इनको संयत रखना, इनको वश में रखना, यही क्या है? आत्मविनिग्रह है।
यही क्या है मतलब यही सन्मार्ग एव निरोधा, सन्मार्ग पर ही लगा कर रखा शरीर को, इंद्रियों को और अंतःकरण तीनों, शरीर इंद्रिया अंतःकरण तीनों को सन्मार्ग पर ही लगा करके रखना, ये क्या हुआ आत्मविनिमय, इनको ज्ञान कहा है। दोबारा फिर कहता हूँ क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के सहयोगी है ज्ञान प्राप्ति में, इसीलिए ज्ञान कह दिया, साधन है ज्ञान प्राप्ति के, क्या है साधन, इसीलिए ज्ञान है। ठीक है, तो अब ये कोई भी तो पूछ सकता है कि आप तो कह रहे थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हम तेरे को देंगे, लेकिन आप तो कुछ और बताने लग गए। बतलाना यही है कि ज्ञान तो क्षेत्रज्ञ का ही करना है, लेकिन वो ज्ञान ऐसे नहीं होता है, यदि ये साधन ना हो तो ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के ये उपकारक होने से ये बतला रही है, पहले साधन बतला रही है। ठीक है, क्या क्या बतला दिया, मान का अभाव, दंभ का अभाव, हिंसा का अभाव और क्षमा का भाव और सरलता का भाव, आचार्य की उपासना करना, अंदर बाहर से पवित्र रहना और अपने चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर करना और आत्मविनिग्रह, अपने शरीर इंद्रिया अंतःकरण को सन्मार्ग में ही लगाए रखना। कितने साधन बतला दिए हैं, कितने बतला दिए, नौ बतला दिए, नौ साधन तो ये बतलाए, आगे देखो आगे भी बतलाएंगे। इंद्रियार्थे सुवैराग्य मनाहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के जो अर्थ है माने विषय, इंद्रियों के जो विषय है उनमें वैराग्यम माने राग का अभाव, इंद्रियों के विषयों में राग का, आसक्ति का अभाव, उनमें जो सुख बुद्धि है उसका अभाव, आ गया ना वैराग्य। वैराग्य के बिना तो गाड़ी नहीं चली, चक्का जाम, पहिया जाम है, आगे नहीं बढ़े, बंधा हुआ है ना, क्या है बंधा हुआ है घूंटे से, राग से बंधा हुआ। तो इंद्रियों के जो विषय है उनमें क्या वैराग्यम माने राग का अभाव, अनअहंकार एव च और जो अहंकार का अभाव, क्या देह आदि में जो अहंकार है मैं बुद्धि उसका अभाव, अहंकार का अभाव, ये अहंकार तो गलित ही होना है और आचार्य की सेवा से ही गलित हो जाएगा। पहले स्थूल जो मैं है, स्थूल अहंकार, यही नहीं पिंड छूटता, स्थूल अहंकार से पिंड नहीं छूटता, और जो अंतर में बैठा हुआ है जीव रूप से
सूक्ष्म अहम वो तो कहाँ सहजता से गलित हो, वो तो बीज है ना, वो तो क्या है, बीज है और दिखता नहीं है। जो दिख रहा है उसको ही नहीं छोड़ पाता अहंकार, और जो सूक्ष्म है बीज वो तो अज्ञान से ही मिटे, ज्ञान से ही मिटेगा, तो ज्ञान से ही मिटेगा ना। तो अनहंकार माने अहंकार का अभाव, अहंकार का न होना। सेवा ऐसा साधन है जो सरलता से मिटा देता है, पता भी नहीं लगता। सेवा से ये जो स्थूल मैं है ये गलित हो गया, अनहंकार। फिर आगे देखो क्या कह रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म दोष, मृत्यु दोष, जरा दोष, व्याधि दोष, दुख दोष। जन्म दोष क्या है? जन्म में दोष का दर्शन करना, अनुदर्शनम। जन्म दोष अनुदर्शनम, जन्म में दोष का अनुदर्शन करना, गर्भवास और फिर माता के उदर से बाहर निकलना, गर्भवास और फिर माता के कुक्षी से बाहर निकलना, तो उसमें कितना दोष है, कितना कष्ट है, अंधकार पूर्ण है। तो उसको बतला रहे हैं कि जन्म में दोष है ना, तो जन्म में दोष का अनुदर्शन कर, वही वैराग्य का जो स्वरूप उसको व्यापकता दे रहे हैं। वैराग्य यहाँ क्या बतला दिया था, अभी बतलाया था इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, वो तो वहीं पर हुआ, अब उसको व्यापकता दे रहे हैं, उसको विस्तार दे रहे हैं कि केवल इंद्रियों के विषयों से ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रपंच से वैराग्य हो जाए। क्यों? क्योंकि सबका सब दोष दुख पूर्ण है। तो बतलाते हैं जन्म दोषा अनुदर्शनम, जन्म में दोष का दर्शन करना चाहिए। किसको? उस साधक जो को जिज्ञासु विचारवान। फिर मृत्यु दोष, मृत्यु में भी क्या करें, दोष का अनुदर्शन करें। मृत्यु में भी क्या होता है, हैं, कष्ट होता है ना, एक क्षण में सब कुछ छूट जाता है, पूरा का पूरा शरीर में से प्राण खींच लिए जाते हैं, पूरे के शरीर में से क्या होते हैं, तो उस समय जो शरीर में व्याकुलता होती है, चित्त में जो व्याकुलता होती है, तो इसलिए मृत्यु भी दोषपूर्ण है। मृत्यु में भी क्या है, दोष है, तो उसको भी अनुदर्शन करें, उसका भी विचार, उसको भी देख। जरा दोष, बुढ़ापे में भी दोष देख, है बुद्धि समाप्त, इंद्रियों की शक्ति समाप्त और इज्जत प्रतिष्ठा समाप्त, कुछ नहीं रहता ना। तो बुढ़ापे में भी क्या करे, जरा अवस्था में भी दोष का दर्शन करना चाहिए। व्याधि दोष, और व्याधि में भी दोष का दर्शन करना चाहिए। व्याधि में क्या होती, पीड़ा होती है ना, बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो क्या होती है, कष्ट होता है, नहीं होता है, तो व्याधि में भी दोष का क्या करें, दर्शन करना चाहिए। दुख दोष, और दुख में भी क्या करना है, दोष का दर्शन करना है। दुख जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो दुख है, इनके निमित्त से भी दुख होता है ना, भूतों के निमित्त से और दैविक निमित्त से और अध्यात्म निमित्त से क्या होता है, दुख होता है, नहीं होता है। सांप आदि से डर लगता है, ज़्यादा बारिश हो जाए या बारिश ना हो तब भी कष्ट होता है, नहीं होता है,
है, वैसे ही शरीर में कुछ और हो जाए व्याधि आदि तो भी क्या होता है, दुख होता है ना। तो इसलिए सब में क्या करना चाहिए, दोष का अनुदर्शन करना चाहिए। दूसरा भी अर्थ कर देते हैं, दूसरा थोड़ा सा क्या है, दुख दोष दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, जन्म दुख दोष, क्योंकि दुख जो है वो अपने आप में दोष है। सुख किसी को भी दोषपूर्ण लगता है क्या? दुख ही सबको दोषपूर्ण लगता है, तो इसलिए दुख ही दोष है। दुख ही क्या है? दोष है। तो जन्म दुख, मृत्यु दुख, जरा दुख, व्याधि दुख का अनुदर्शन करे, उसमें उसको देखे, दुख दोष का दर्शन करे। किसका दर्शन करे? दुख दोष का दर्शन करे। ये क्या हुआ? वैराग्य ही हुआ। क्या हुआ? वैराग्य ही तो हुआ ना, इसी से राग गलित तो हो जाता है, राग मिट जाता है। समझ आ गया है? इंद्रियों के जो विषय है उनमें राग का अभाव और देह आदि में अहंकार का अभाव और जन्म में, जरा में, मृत्यु में, व्याधि में, दुख में दोष दर्शन करना कि जन्म कितना दोषपूर्ण है, दुखपूर्ण है, मृत्यु कितनी दुखपूर्ण है, बुढ़ापा कितना दुखपूर्ण है और व्याधि कितनी दुखपूर्ण है, तो इनमें क्या करें? दुख दोष का अनुदर्शन करना चाहिए। किसको? जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये साधन है, इन साधनों के बिना क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त नहीं। ठीक है, जाए आगे वाला श्लोक में। अशक्तेरनभिस्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वा मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। अशक्ति ही अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, एक ही शब्द है, पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अशक्ति ही, ना शक्ति ही इति अशक्ति। शक्ति माने संग, शक्ति माने संग, तो शक्ति का न होना, संग निमित्तेषु विषयेषु प्रीति मात्रम। क्या? जो संग के निमित्त विषयों में जो प्रीति हो जाती है उसको क्या कहते हैं? शक्ति, मतलब आसक्ति। शक्ति माने आसक्ति, एक ही बात है। और अशक्ति माने उस आसक्ति का न होना। ये देखो, आसक्ति नहीं है ये सब, अशक्ति है ना, तो आसक्ति का न होना ये क्या है? अशक्ति। समझ आए ना? शक्ति माने संग, राग, आसक्ति, और अशक्ति माने उसका न होना। किसमें? पुत्र दारा गृहादिषु। किसमें? पुत्र में, स्त्री में, गृह आदि में आसक्ति का न होना ये क्या है? अशक्ति। अनभिस्वंग, अभिस्वंग माने जो आग्रह होता है, मतलब
यहाँ पर तो देखो जो आसक्ति होती है उसमें होती है ममता, और जो अभिस्वंग होता है उसमें होती है तादात्म्य आत्मबुद्धि। क्या कर लेता है उसमें? आत्मबुद्धि मैं अपना कर लेता है ना, जैसे धन में मैं कर लिया, धन नष्ट हो गया, हाय मैं मर गया। मरा क्या, लेकिन धन में क्या कर लिया? ऐसी पुत्र के मरने पर क्या होता है, मैं मर गया, क्योंकि उसमें क्या कर लिया, अभिस्वंग कर लिया। आसक्ति तो ममता है, और अभिस्वंग माने उसमें अहमता कर ली। जैसे देह में सबने क्या किया हुआ है, अभिस्वंग किया हुआ है ना, आत्मबुद्धि। देह में क्या किया हुआ है? अनन्यात्म लक्षण, अनन्यात्म भावना लक्षण। भाष्यकार ने बोल दिया है अनन्य रूप से आत्म भावना लक्षण रूप ये अभिस्वंग है। इसको क्या कहते हैं? अभिस्वंग। उसमें क्या करना, अनन्य रूप से आत्म भावना कर लेना। कह रहा है मैं मर गया, मरा हुआ कोई कहता है क्या? लेकिन पुत्र के मरने से, स्त्री के मरने से, धन के नष्ट हो जाने से क्या कहता है, हाय मैं मर गया। उसको क्या कहेंगे? अभिस्वंग। उसको क्या कहेंगे? अभिस्वंग। आसक्ति का ही ये जो एक रूप है, आसक्ति का ही क्या है, ये एक रूप है। आसक्ति ममता, और ये क्या हो गई, उसमें अहम बुद्धि हो गई। किसमें? पुत्र दार गृहादिशो, पुत्र स्त्री घर आदि में जो अभिस्वंग है, तादात्म्य कर लिया बिल्कुल। ये मैं देखो मकान, मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना, क्योंकि गाड़ी को हाथ लगाने का मतलब है मेरे को हाथ लगाना है? गाड़ी को टच मत करना, गाड़ी पे स्क्रैच ना पड़ जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरे को बहुत प्यारी है। तो क्या कर लिया उसमें? अभिस्वंग कर लिया ना। जैसे बालों में अभिस्वंग कर लेते हैं। अब जो सन्यासी है वो तो बालों में अभिस्वंग होता नहीं कि भाई 15 दिन में महीने में क्या करो, साफ कराओ। लेकिन जो बाल रखते हैं तो उनका बालों में वो क्या हो जाता है, काटे जा रहे हैं बाल, वो रो रहे हैं बैठ करके हैं। तो क्या कर लिया उन्होंने उसमें, जबकि कोई कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अभिस्वंग कर लिया। नाखून में कर लेते हैं है? मैल है जबकि, लेकिन उसमें भी अभिस्वंग कर लेते हैं, आत्म अनन्य आत्म भावना कर लेते हैं। जैसे देह में किया हुआ है, देह में अनन्यात्म भाव किया हुआ है ना, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? अभिस्वंग। तो पुत्र स्त्री घर आदि में जो आसक्ति है उसका न होना, और उनमें जो आत्म भावना रूप अभिस्वंग है उसका न होना, ज्ञान के साधन है। ज्ञान के साधन बतलाना परम आवश्यक, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान तो पाना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करना भी चाहिए, लेकिन ज्ञान यदि साधन संपन्न नहीं है तो ज्ञान नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति को भूख लगी है और वो भोजन बनाना भी चाहता है, भोजन बनाना भी आता है, और लकड़ी भी है और आग भी है और पानी भी है, लेकिन आटा नहीं है, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। तो वैसे यदि साधन ही नहीं है और सब कुछ हो, राग ना हो, तो साधन नहीं है तो ज्ञान होता है क्या, सफल होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है वो पहले बतलाए जाते हैं, उसके पश्चात
ज्ञान बतलाया जाएगा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या, उस ज्ञान के साधन बतला। ठीक है, नित्यम च समचित्तत्वम, और क्या निरंतर ही क्या रहना, समचित्त बने रहना। निरंतर क्या बने रहना, समचित्त, तुल्य चित्तता, विचलित ना हो, कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, समचित्त बना रहे। जिसका चित्त विषम नहीं होता, विषमता को प्राप्त नहीं होता है, हर्षित या खिन्न नहीं होता, अनुकूल को पा करके हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल को पा करके खिन्न नहीं होता, नित्य और नित्य रहना चाहिए। क्या हर समय, क्या हर समय, ये नहीं है कि कुछ समय तो समचित्त रहे और कुछ समय जो है वो विषमचित्त रहे, ऐसा नहीं है। समचित्तत्वम नित्यम, नित्य ही समचित्त बने रहना। कहाँ पर बदला भी दिया है, इष्टानिष्टोपपत्तिसु, इष्ट की या अनिष्ट की प्राप्ति होने पर नित्य क्या बना रहे, समचित्त बना रहे। इष्ट की प्राप्ति पर हर्षित ना होवे और अनिष्ट की प्राप्ति पर खिन्न भी ना हो, क्या बना रहे, समचित्त बना रहे। समचित्त बना रहे। बड़े जटिल साधन प्रतीत होते थे, लेकिन विचार करने से सब सहज हो जाते। विचार करने से जो जटिल दिख रहा है वो भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। जब व्यक्ति निश्चय करे कि ये तो मेरे को जीवन में क्या करने है, धारण करने ही है, जीवन में आत्मसात करने ही है, तो सरल हो जाते। अन्यथा ये अहंकार, ये आसक्ति, ये जो है सुगम कार्य को भी असंभव बना देते, सरल कार्य को क्या बना देती है, समचित्त रहना। अपमान में मान में, तो मान में हर्षित होता है और अपमान में खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन जो विचार करते हैं, जिनको समझ में आ गया ये सब राम कहानी, ये सब जगत तो मिथ्या ही है, असार ही है, तो फिर उनको उनका जो चित्त है वो अनुकूल या प्रतिकूल की प्राप्ति पर हर्ष शोक युक्त नहीं, चित्त सम बना रहता है। क्या बना रहता है, सम बना, विषमता काटी है आपको, काटती है। जब चित्त की विषमता आपको कष्ट दे, नींद उड़ा देती है ना, क्या नींद गायब है, चिंता में मेरा अपमान हो गया, ये कार्य ऐसा होना था ऐसा नहीं, नींद उड़ जाती है। लेकिन जब समझ हो ना, समझ, तब सब सहज हो जाता है, सब सरल हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है, सब प्रारब्ध का ही भोग है, और ये सारा का सारा दुख स्वनिर्मित किया हुआ है, असंतोष के कारण, आसक्ति के कारण, अज्ञान के कारण। दुखों का कारण क्या, अधिकतर तो असंतोष,
है अपनी आसक्ति और ये अज्ञान, अज्ञान तो है ही कारण, असंतोष है ना, आदमी को संतोष ही नहीं। अरे नीचे देख भाई, कितने कितने कष्ट है जीवो, हैं, खुजली होती है, यूँ खुजला लेते हो। पशु को देखते हैं बेचारे, और शरीर यदि भारी हो तो बताइए। तो जब देखे तब संतोष पाए, रे हम तो बहुत ठीक, कितना कितना कष्ट है, नहीं है बहुत बहुत कष्ट है। से संतोष, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इसलिए यहाँ पर बतला दिया है कि ये जो साधन है कठिन भी है और सरल भी है। तो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सम बने रहे, सम बने रहे। सब दुख झेलने बहुत जरूरी है, विचारवान जो है ना, विचारवान ही दुखी होगा और विचारवान ही कई स्थूल बुद्धि वाले होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वे संसार में पड़े रहते, कीचड़ में पड़े रहते। और विचारवान जो है वो सब विचार कर करके कर करके सर्वत्र क्या करेगा, दुख का अनुभव करेगा, और इसीलिए फिर वो दुख से मुक्ति का उपाय खोजेगा, यतन करेगा, और वो दुख से क्या हो जाएगा, विचारवान। दुखी होना जरूरी है, बीमार हुए बिना स्वस्थ, जो शरीर की स्वस्थता है उसका महत्व नहीं ज्ञात होता। बीमार हो जाए ना व्यक्ति तो क्या पता लगता है, शरीर के स्वास्थ्य का मूल्य पता लगता है, नहीं लगता है भाई। पहला सुख निरोगी काया है। तो वैसे विचारवान जो है वो दुखी होता है, दुख का अनुभव करता है, और इसीलिए वो क्या करता है, दुख से मुक्ति का उपाय खोजता है, यतन करता है, और दुख के सर पर पैर रख के आगे बढ़ जाता है, और फिर उसके जीवन में कभी भी दुख का प्रवेश नहीं होता है। समाधान हो गया ना, क्या हो गया, हर चीज का समाधान, हर चीज से ऊपर उठ गया। अब उसके चित्त में ये कुछ भी अवस्थाएं खलबली उत्पन्न नहीं करती है ना, ये जो कुछ भी बाह्य है, घटनाएं हैं, बड़ा देखते थे। जैसे एक बार एक गायें थी, बीमार थी काफ़ी, हमारी थोड़ी बचपन से आदत रही है गायों से, जीवों से प्रेम करने की, तो वो बीमार थी। अब मैं विद्यालय से आता तो वो उठ नहीं पाती थी, उसके पैरों में कुछ घाव हो गया था, फिर वो वहीं सड़ता रहा। डॉक्टर लोग घाव कहीं था, पट्टी कहीं और करते थे, तो मेरे को थोड़ा सा लगाव रहा, तो मैं उसको लेटी लेटी को ही पानी पिलाना, घास उसके मुंह में डालता था हाथों से, और फिर वो चबाती थी, खाती थी, उठ नहीं पाती थी, वैसे ठीक थी, मजबूत थी। तो जब उसका मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो बड़ा दुख हुआ, पर हम देखते थे महाराज जी को, गुरु जी को ये देखते थे, बस आ रहे हैं जा रहे, देखते थे कि भाई उनको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हम बड़े ही विश्लेषण का हो या इस भाव वाले रहे हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, क्यों महाराज, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बड़ी घटना थी, हैं, क्योंकि हम बड़ा प्रेम करते थे गायों से, तो हमारी तो बहुत बड़ी घटना थी, वो गाय का मर जाना बहुत बड़ी घटना थी एक बालक के लिए। तो उसको हम देखते थे दूसरों को भी कि किसको क्या, और भाई कम से कम गुरुजी कैसे हैं, तुम देखते हैं तो गुरुजी तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही शांत, वैसे ही प्रसन्न,
तो उस समय तो ये रहस्य समझ में नहीं आते थे, बड़े विचित्र लगती है ना ये बातें, लेकिन अब समझ में आते हैं। तो कहने का भाव है समचित्त, क्या समचित्त रहना इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति। तो ये संतों के जीवन में झांकने से पता भी लगता है और सीख भी मिलती है। संतों के जीवन में झांके तो वे क्या रहते हैं, सम रहते हैं, सम रहते हैं। और मनुष्य का तो स्वभाव ही है विषमता में ही गोते लगाना है, विषमता में ही गोते लगाता है ना। दुष्ट जो है वो दूसरों के सज्जनों के उत्थान होने पर खिन्न होता है, सज्जन जो है वो दुष्टों के उत्थान होने पर खिन्न होता है, नहीं सज्जन जो होगा वो दुष्ट लोग बढ़ेंगे उनका उत्थान होगा तो उसको क्या होगा, खेद होगा नहीं होगा। अरे भाई आज का जमाना बड़ा खराब है, आज तो जो है ना चोर चोर क्या बोलते हैं, चोर चकारी वाले कहीं इनको यही इनकी प्रतिष्ठा है, यही फलते फूलते इन्हीं की तरक्की होगी। और यदि सज्जनों का उत्थान हो तो दुष्टों को बड़ा खेद होता है, ये लोग कैसे शांति से रह रहे हैं, कैसे प्रसन्न है ये लोग। लेकिन ज्ञानी जो है साधक जो है वो दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो क्या करता है दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है सज्जन जो सुख पा रहा है वो भी अपने प्रारब्ध का, और जो दुख पा रहा है वो भी, दुष्ट जो सुख पा रहा है वो भी अपने प्रारब्ध का, और जो सुख पा रहा है वो भी अपने प्रारब्ध का। इसीलिए वो क्या रहता है, इनका विचार नहीं करता है कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, सब चल रहा है प्रकृति में है। ये तो क्या विचारे, प्रकृति तो एक क्षण में जो है आपकी सारी की सारी पृथ्वी को खा जाए है? कर लो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र स्थापित या मुस्लिम राष्ट्र स्थापित या ईसाई राष्ट्र बना लो साम्राज्य, और पृथ्वी जो है वो आया कोई पिंड पृथ्वी से टकराया, करो स्थापित। इसलिए इसमें विचारवान इस जो मूढ़तापूर्ण कसरत है इसमें नहीं पड़ता है। क्या रहता है समचित्तत्वम, क्या रहता है समचित रहता है, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्त जो बना रहे, साधन बतला रहे हैं। यदि ये साधन आप में नहीं है तो आप ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। क्यों, आप चिंता करते रहोगे तो चिंतन कहाँ से होगा, मोह करते रहोगे तो अभ्यास कहाँ से होगा, राग बना होगा विषय चिंतन बन रहा होगा तो क्या परमात्मा चिंतन कर पाऊंगे, अंतर्मुखी हो पाऊंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं होगा इन साधनों के। ठीक है, आगे भी देख लीजिए आगे क्या बदला है। हाँ ये तो साधक की बात है, ज्ञानी को तो कुछ लगता ही नहीं है, ज्ञानी के लिए तो ये स्वप्न मात्र है, तो वो तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति का विचार ही नहीं करता। साधक के लिए है कि साधक सोचे कि ये तो सब प्रारब्ध का खेल है, ऐसी स्थिति होगी तब ज्ञान प्राप्त। हाँ जब ऐसी स्थिति हो क्या सोचे, ये सब क्या है प्रारब्ध का खेल, ऐसा सोच करके वो निश्चिंत रहता है। जो करने योग्य कार्य है वो करता है, आत्मचिंतन है ना। तो ये बात है, और ज्ञानी की दृष्टि उसकी दृष्टि में तो इन आपकी इस जगत का कोई महत्व नहीं है, उसकी दृष्टि में कोई महत्व, साधक की दृष्टि महत्व है, साधन की अनुकूलता बनी रहे, चिंतन की अनुकूलता बनी रहे, चित्त की शरीर की अनुकूलता बनी रहे, उसके लिए थोड़ा महत्व रखती है,
लेकिन ज्ञानी के लिए किसी भी प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता कोई महत्व नहीं है, किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। कहाँ दुखी होता है, है नहीं? कोई करुणा नहीं आती है ना? ये तो सब खेल है, उसको करुणा ही मानो कि कोई जिज्ञासु। अच्छा एक चीज आप बताओ, उसकी करुणा वैसी नहीं कि जो दरवाजे खटखटाता फिर, उसकी करुणा ऐसी है जैसे कोई जिज्ञासु है और वो आकर के अपने दुख रोए तो तब उसको वो ज्ञान देता है। तो उसको जिज्ञासु को जो ज्ञान देना वो इतनी मात्र ही उसकी करुणा है। और ये जो दुखी हो जाना है और ये जो दया करना है और जो दया का वेग बहना है, ये अज्ञानी में ही संभव है। ज्ञानी में संभव ऋषभ देव जी है, कोई मतलब जड़ भरत है, कोई मतलब दत्तात्रेय जी है, कोई मतलब है महर्षि रमण है बैठे रहे, कोई मतलब है? जो ग्राहक होगा आ जाएगा। गंगा जी बह रही है, एक तरह से सबको आमंत्रित कर रही है प्यास बुझाओ, लेकिन द्वार पे नहीं जा रही है। द्वार पे जा रही है क्या? तो वो अपनी मस्ती में बह रही है। अब उसमें सब प्यास बुझाओ, सब अपना ताप बुझाओ, तो वैसे ही है ज्ञानी का तो ऐसा है। तो सहज है, ऐसे करुणा इस प्रकार की करुणा नहीं जो अज्ञानी के समान आप सोच रहे हैं कि अज्ञानी जैसे भाई दुखी को देखा तो भाई का भाई कैसे भला हो बेचारे, ये भी सहजता से नहीं छूटता। वैसे ये जो चीज है ये सहजता से नहीं छूटती है, क्योंकि राग रहता है। अभी आपको बताया सज्जन का सत्कर्म में राग रहता है और दुर्जन का दुष्ट कर्म में राग रहता है। सेवा करने में, दूसरे को प्रसन्न करने में, सुख पहुंचाने में सज्जन को प्रसन्नता होती है ना, और दुष्ट को दूसरों को कष्ट देने में प्रसन्नता होती है। लेकिन इससे भी जो परे हो, सुख दुख सबब के परे। हाँ, एक महात्मा थे, अब वो जो है एक खेत के पास खड़े हुए थे। अब खेत में जो है चिड़िया कीड़ों को उठा उठा करके खा रही थी। तो कोई भक्त कहने लगा, महाराज जी क्या कर रहे हो, चिड़िया को उड़ा रहे हो क्या? तो महात्मा कहने लगे, भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ कहाँ पे उड़ाऊंगा, किस किस को उड़ाऊंगा, किस किस को बचाऊंगा। तो सब अपना अपना कर्म चल रहा है प्रकृति, तो वो ज्यादा भाई इनमें ही अपने सब कुछ झोंक दे ऐसा नहीं है। यथा योग्य सहजता से जो हो जाए ठीक है, बाकी ज्यादा चक्कर में नहीं बढ़ता है। ठीक है, आगे देखो। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जनसंसदि। मयि च अनन्ययोगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति ही जनसंसदि च माने और मई अनन्य योगेन। क्या मैं माने मुझ परमात्मा में ही अनन्य योग से, अन्य योग से नहीं, भेद पूर्वक नहीं, अभेद पूर्वक। क्या मुझ परमात्मा में अनन्य योग क्या है?
अन्य योग क्या है, वो भक्ति क्या है, व्यभिचारिणी भक्ति, परमात्मा अलग और मैं अलग। इस भक्ति को भाष्यकार ने क्या कहा है, ये क्या है भक्ति, कहा है व्यभिचरणशीला, व्यभिचारी भक्ति है। और अव्यभिचारी भक्ति क्या है, अव्यभिचारी भक्ति अनन्य योगेना भक्ति ही, अव्यभिचारिणी भक्ति मैं मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, जिसका चित्त व्यभिचरित नहीं होता, कभी लग जाए कभी हट जाए ऐसा नहीं। एक तो अनन्य माने वही आत्मदर्शन, परमात्मा को अपने आत्म रूप से अभेद चिंतन, इसी को भक्ति का है। समझे सेठ जी, भक्ति समझ आ गई, क्या बतलाया था भक्ति, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अभी लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब क्या होता है, बड़ा सा तिलक लगाना, मंदिर बना के कुछ मूर्तियां रख के दीपक आदि जला के और उस भगवान के आगे बैठना, भगवान आगे बैठा, भगवान के सामने हम बैठे हैं, तो ये क्या है, ये भक्ति है। ऐसा नहीं है, वो भक्ति जो है वो भेद रूपा है, वो क्या है, भेद रूप वाली है। और यहाँ पर किसकी चर्चा है, अनन्य योगे ना, जो अनन्य योग पूर्वक, अन्य नहीं, अन्य मान करके नहीं है, क्या मान करके, यही कि अन्य भगवतो वासुदेवात् परो न अस्ति, कि जो वासुदेव परमात्मा है मैं वही हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य नहीं हूँ। इस प्रकार की जो भक्ति है, इस प्रकार की जो भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति ही, व्यभिचरणशील भक्ति जिसकी नहीं है, उसी को ज्ञान कह दिया। इसी को क्या कहा है, यही ज्ञान है, ऐसी भक्ति ही ज्ञान है। भक्ति का मतलब यहाँ पर हो गया चिंतन। हाँ जी, क्या बतलाया है, परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन करना, क्योंकि क्या बतला रहे, साधन बतला रहे, ज्ञान के साधन, तो ये हो गया मनन, ये क्या हो गया, मनन, मनन निधिध्यासन के अंतर्गत आ जाएगा कि मुझ परमात्मा का अनन्य रूप से जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, जिसका चित्त निरंतर मुझ परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है, अभेद रूप से, आत्म रूप से मुझ परमात्मा के ही चिंतन में जो लगा हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, अनन्य योग भक्ति, जो अव्यभिचारिणी भक्ति, ये कहीं, ठीक है। तो कैसे संभव हो पाएगी, विविक्त देश से वित्वम, क्या एकांत देश में, विविक्त माने जो पृथक देश हो, मतलब पवित्र देश, जो स्वभाव से ही पवित्र हो या संस्कार आदि से शुद्ध कर लिया गया, जैसे नदी का किनारा, जंगल, ये सब क्या है, मंदिर आदि, देवस्थान, आश्रम आदि, ये क्या, ये स्वभाव से ही शुद्ध है। और घर पर बैठे तो वहाँ पर भी लीप पोत के या झाड़ झूड़ के साफ करके बैठना, मक्खी मच्छर ना हो वहाँ पर, सर्प व्याघ्र आदि का भय होगा तो क्या होगा, भजन होगा क्या, चिंतन किसका होगा,
ये सब भय भी हमने बहुत बहुत अनुभव किए, बहुत भय अनुभव किए, ये भी भय अनुभव किए। जब वो छोटे थे और जब जंगल में चले जाते थे और ऐसे समय में बड़ा शोर रहता था इनका, चोर बदमाशों का बड़ा शोर रहता था कि उसको वहाँ मिले है, उसको वहाँ मिले, उसको पीटा है, उसको मारा, ये बड़ा रहता था। तो हम भी जाते थे ऐसे ही, करना धरना कुछ नहीं था, पर जाना वहीं पढ़ाई करनी। तो सब लोग तो जैसे काम कर रहे हैं जंगलों में, और हम बैठे हुए हैं और हल्की सी भी आवाज़ आती, अब सब लोग बड़ी दूर दूर हैं, तो हमें लगता कि भाई आगे। तो आपको सत्य कह रहा हूँ, वो भी समय अनुभव किया, बड़ा भय अनुभव किया, बहुत बहुत की है धड़कन बड़ी तीव्रता से, मान लीजिए घंटा दो घंटा रुक रहे हैं तो निरंतर यही है। अब वहाँ क्या पढ़ाई होगी, ये भी अनुभव किया है, कहने का भाव है। तो सर्प व्याघ्रादि का यदि भय हो तो भय में क्या होता है, चिंतन होगा, भय में चिंतन नहीं होगा। इसीलिए कह दिया है विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश को के सेवन का जिसका स्वभाव बन गया है, क्या बन गया है, एकांत देश सेवन का जिसका क्या बना हुआ है, स्वभाव बना हुआ है। ऐसे देश में, ऐसे देश का सेवन करने वाला, अरति ही जन संसदी अरति, लोगों की जो संसद है, जैसे संसद में कभी नहीं जाना चाहिए साधक को, जो संसद में जा जा के बैठ रहे हैं सांसद, क्या बन रहे हैं, संसद में जा जा के बैठते हैं ना, वो साधक होंगे क्या। यहाँ तो क्या कह दिया है, जन संसदी अरति ही, लोगों की भीड़ भाड़ में क्या हो, अरुति अरति रुचि ना हो, जिसकी सुख का अनुभव ना कर, मतलब जो प्राकृत लोग हैं, विषयी लोग हैं, ऐसे लोगों के संग से दूर रहे। अब वहाँ पर तो क्या बैठे हैं सारे के सारे, सारे के सारे लोभी लालची भ्रष्टाचारी दुराचारी अनाचारी भी तो बैठे हुए हैं, क्यों जी, तो संसद संसद में नहीं जाना चाहिए, वो तो बड़े बड़े पापियों की है, वहाँ तो जाने का मतलब ही नहीं। ये तो कह रहे हैं जो प्राकृत लोग हैं वही सांसारिक रजोगुणी जो लोग हैं, जो भक्ति भाव वाले नहीं हैं, ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं उनकी जो संसद है, समूह है, उनसे क्या है, रति ही रति नहीं होनी चाहिए। जो अविनीत है, भाष्यकार ने बोला है संस्कार शून्यानाम अविनीतानाम, जो संस्कार रहित है और जो विनय नहीं है, अहंकारी है, घमंडी लोग हैं, ऐसे लोगों के जो संगठन है, जो सम्मेलन है, उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे क्या दूर रहना है। तो किनका संसद करना है, किनका करना है, संगति संस्कारवताम विनीतानाम, जो संस्कारी है, विनम्र है, सरल है, जो साधक है, उनका संग जो है वो क्या है, वो साधना में और गति और रुचि पैदा करेगा। और जो रजोगुणी लोग हैं, तमोगुणी कामी क्रोधी लोग हैं, तो वो क्या है, वो तो आपको भी वहीं खींचेंगे, आपके चित्त को भी मलिन करेंगे। तो इसलिए उनके जो समुदाय से संपर्क से दूर रहना। तो ये क्या बतला दिए हैं, ये ज्ञान बतला दिए, ज्ञान के साधन,
आगे वाला भी सुन लिया जाए या समय भी हो ही गया, तो आगे वाला तो कल ही बतलाएंगे। तो ये समझ आ गया आपको, ज्ञान के सहयोगी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, क्षेत्रज्ञ जो जीव है इसका परमात्मा के साथ अभेद, यही जो है यही तो अनुभव करना है, इसी को ज्ञान कहते हैं, और इसी ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो उस ज्ञान के ये सहयोगी साधन होने से आपको गिना दिया, कैसी भक्ति हो, अनन्य भक्ति, और वो भी कैसी हो, अव्यभिचारी, व्यभिचारी नहीं कभी हो और कभी ना हो, ऐसा नहीं। परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन कैसा हो, निरंतर हो, व्यभिचारी ना हो, कभी चित्त हट जाए कभी लग जाए, ऐसा नहीं, अव्यभिचारी। और विविक्त देश का सेवन करना, एकांत देश का सेवन करने का जिसका स्वभाव, जहाँ पर सर्प व्याघ्र आदि मक्खी मच्छर ना हो, इसलिए ठंड में जाके बैठते थे, इसीलिए जो है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री आदि महात्माओं के रहना, क्योंकि मक्खी मच्छर नहीं है, तंग नहीं करेंगे, अन्यथा भजन किसका होता रहेगा, मक्खी मच्छर का होता रहेगा, मक्खी बैठ गए मच्छर बैठ गए, हाँ सेठ जी का तो नहीं होता, सेठ जी तो मच्छरदानी लगा के रखते हैं 12 महीने, हैं बढ़िया चीज़ है ना, ना किसी की हिंसा करनी ना कुछ करना, मच्छरदानी लगाओ, अपनी सुरक्षा करो, दूसरे को क्यों वो करो, दूसरों को मार के अपनी सुरक्षा थोड़ा होती है, अपनी सुरक्षा कर लो, बाकी भाई भी तुम स्वच्छंद भी चलो, मेरे तो पीछे पीछे भागते, तुम अपना काम करो हम अपना काम करें, आप ध्यान ज्यादा देते हो ना, पहले मेरे को इतने काटते थे कोई सीमा नहीं, अब तो है ही नहीं, पहले ये समझो, हाँ नहीं तो इतना मच्छरों का रहता था कि पूरा शरीर, अब तो ये इससे रहता है लाल लाल नहीं, मेरे तो पूरा लाल रहता था, इतना मच्छर काटते, हाँ जी। और अरति जन संसदी, जनों के जो संसद है, जो संस्कार विहीन लोग हैं उनके संपर्क से दूर रहना, अविनीत लोग जो घमंडी अहंकारी है उनसे दूर रहना, तो ये सब क्या है, ज्ञान प्राप्ति में के सहयोगी साधन है, चिंतन में सहयोग करने वाले हैं। तो इसलिए ज्ञान सुनाने से पहले उनकी क्या बतला रहे हैं, अनुकूलता बतला रहे हैं, साधन ऐसे बतला रहे हैं जिसमें और आप ज्ञान चिंतन कर सकें, ऐसा होने पर क्या होगा, चिंतन कर। आज इतना ही रखो, बाकी का कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।